दोस्तों आरबी मोरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा विजिटिंग कार्ड डिजाइन। उसके लिए मैटर ने पहले से टाइप कर लिया है, इमेज भी डाउनलोड कर लिया है, तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा कार्ड डिजाइन कैसे करेंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन सभी को मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल की साइज में कर देता हूँ 3.5 × 2 इंच। ये है बजट कार्ड की स्टैंडर्ड साइज, इसी के अंदर हम सेट करेंगे इन सभी मैटर को। लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं रेक्टेंगल का इस्तेमाल करके। तो टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं कंट्रोल के साथ बिल्कुल वर्गाकार में। टूल्स में एक बार फिर से जाएंगे, सेव टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूँ। राउंड करने के साथ ही इसको रोटेट भी करा देते हैं, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। जब एक बार सिलेक्ट रहेगा तो सिंगल क्लिक, नहीं सिलेक्ट रहेगा तो डबल क्लिक। अब इसको हम सिंपली रोटेट कराते हैं कंट्रोल के साथ, साइज इसकी हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद जस्ट इसी का हम डुप्लीकेट कर देंगे एक बार फिर से बॉटम साइड में यहाँ पर, और एक डुप्लीकेट मैं कर देता हूँ टॉप साइड में यहाँ पर। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, इंटरसेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इतना एरिया आपको मिल जाता है। अब मैं इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देता हूँ, मैं कोई हो सकते नहीं। और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ये एरिया भी आपको मिल जाता है। उसके बाद इसमें हम आउटलाइन भी लगा देते हैं, तो आउटलाइन का उसका विड्थ है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, तो सिंपली 4 पॉइंट कर लेते हैं। शिफ्ट कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे, 4 की जगह 5 कर लेते हैं, शिफ्ट कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बैक मीन्स फ्रंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो इसका एरिया अपना कट हो जाता है। और फिर इसमें हम अभी एग्जांपल के तौर पर कोई भी कलर फिल कर लेते हैं, और जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को इस वाले डिजाइन में कर देते हैं पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड, और साइज अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। थोड़ी सी मैंने इसकी साइज छोटी कर लिया है। उसके बाद इसमें कलर भी फिल कर लेते हैं, इसी बिल्डिंग से रिलेटेड कलर फिल कर लें। कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे, फंक्शन फिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और कलर पर आएंगे, तो यहाँ पर एक आई ड्रॉपर आपको मिल जाता है। इस आई ड्रॉपर से सिंपली कलर आप यहाँ से पिक कर लें, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लाइट कलर फिल कर लेते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रेडियंट कलर इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इसे थोड़ा सा कलर डिफरेंट रखते हैं, पर्पल से मिलाते हैं, तो कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करें और ब्लू कलर यहाँ पर मैजेंटा कलर फिल कर लेते हैं। इसको बाहर की साइड लाएंगे, ये सेम कलर कंट्रोल आर का प्रयोग करके इसमें भी अप्लाई कर देते हैं और इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट ही है, बस ऐसे ही रखना है। उसके बाद जो है इन सभी मैटर को भी सेट कर लेते हैं, और ये जो लोगो है, लोगो को चाहे तो आप किसी शेप में रख लें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, साइज इसकी छोटी कर लेते हैं। टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल वर्गाकार शेप में, और कलर जो है यही सेम अप्लाई कर देते हैं, और सभी लोगों को सेंटर से अलाइनमेंट भी करा देते हैं, और जो टेक्स्ट हमारा है उसको भी अलाइनमेंट कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से एल बटन प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। कलर इसका ग्रे कर देते हैं, तो सिंपली डार्क ग्रे कलर मैंने फिल कर लिया है, और ऊपर की साइड रखेंगे। कटिंग के लिए हमें स्पेस देना जरूरी है। जो नए डिजाइनर हैं वो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और फिर चारों साइड से स्पेस देंगे, और जो पुराने हैं उनको तो खुद ही आइडिया है कि हमें कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, तो कितना पर्याप्त है। अब टॉप साइड में हम जिसके तरफ से विजिटिंग कार्ड है उसका नेम दे देते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका ग्रे कलर कर लेते हैं और नेम का कलर पर्पल से रिलेटेड कर देते हैं, या फिर चाहें तो ब्लैक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।